पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी। भाजपा ने जहां तृणमूल कांग्रेस पर यह हिंसा कराने का गंभीर आरोप लगाया था, वहीं टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन किया। अब चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर दायर याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंसा सहित अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और दुष्कर्म सहित अन्य मामलों की जांच सीबीआई करेगी। वहीं बता दें कि एक बुजुर्ग महिला और नाबालिग लड़की से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के सदस्यों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। उन्होंने याचिका में कहा है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के कारण तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका सामूहिक दुष्कर्म किया और पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि टीएमसी ने इन घटनाओं को मनगढ़ंत बताया, लेकिन जिस तरह एक महिला मुख्यमंत्री की जीत के बाद दूसरी महिलाओं ने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए, उससे पश्चिम बंगाल सरकार की दामन पर दाग नजर आती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।